मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग मैम। वॉल्यूम आ रही है ना? यस मैम। ओके स्टूडेंट्स, हमने कल के लेक्चर में आपका जो चैप्टर नंबर थर्ड था, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम इस चैप्टर के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है? तो इससे पहले हमें एक बार ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली हमने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं। तो हमने फाइबर्स के बारे में पढ़ा था, नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ा था, सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, पॉलीथीन, ठीक है, पॉलीएक्रिलीन, कैरोसोल, ये सारे कौन से थे? सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप्स थे। इसके बाद हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, कि कौन कौन से उसमें गुणधर्म पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने कॉमन प्लास्टिक एंड देयर यूजेज, कौन कौन से कॉमन प्लास्टिक है उनको, उनका हम किस प्रकार से उनको यूज में लेते हैं, वो हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। उसमें हमने पढ़ा था पॉलीथीन, ठीक है, पॉलीथीन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो क्या होता है, इट इज ए प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ पॉलीथीन मॉलिक्यूल। दैट मींस पॉलीथीन की जो मॉलिक्यूल है उसको पॉलीमराइजेशन द्वारा हम क्या बनाते हैं, पॉलीथीन बनाते हैं। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, विभिन्न प्रकार के जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उनके बारे में पढ़ा था। चलो आज की क्लास में हम इस चैप्टर के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ नेचुरल फाइबर्स। राइट द नेम ऑफ नेचुरल फाइबर्स, तीन नेचुरल फाइबर्स कौन कौन से हैं आपको नाम बताने हैं। तो एनी स्टूडेंट प्लीज गिव मी आंसर इन दिस क्वेश्चन, कि आपको कोई भी दो नेचुरल फाइबर्स के नाम बताने हैं। राहुल, मैंने आपको कौन कौन से नेचुरल फाइबर्स पढ़ाए हैं? रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर। नेचुरल नहीं है वो, आर्टिफिशियल एंड सिंथेटिक है। नेचुरल फाइबर्स जो हमें एनिमल से ऑब्टेंड होते हैं, कॉटन, सिल्क एंड वूल। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नेचुरल फाइबर्स होते क्या है। तो नेचुरल फाइबर्स का मींस क्या होता है, दीज फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड एन एनिमल्स। ऐसे फाइबर्स जो हमें एनिमल से ऑब्टेन्ड हो, कौन से फाइबर्स कहलाते हैं, नेचुरल फाइबर्स। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, वूल है, ऊन है, सिल्क है और कॉटन। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को कि नेचुरल फाइबर्स क्या हैं और कौन कौन से नेचुरल फाइबर्स होते हैं। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ सम आर्टिफिशियल फाइबर्स, ठीक है? तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, आर्टिफिशियल फाइबर्स क्या होते हैं, ठीक है? तो क्या होते हैं आर्टिफिशियल फाइबर्स, गिव मी आंसर एनी स्टूडेंट, कि व्हाट इज द आर्टिफिशियल फाइबर्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स क्या होते हैं? मोनिका, देखो
आर्टिफिशियल का मीन्स होता है आर्टिफिशियल फाइबर्स का मीन्स होता है मैन मेड फाइबर्स। ऐसे फाइबर जो मानव के द्वारा क्या हो निर्मित हो, मानव के द्वारा निर्मित फाइबर्स आर्टिफिशियल फाइबर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल क्या होगा आर्टिफिशियल फाइबर्स का एग्जाम्पल, गिव मी एग्जाम्पल एनी स्टूडेंट्स इन आर्टिफिशियल फाइबर्स। फर्स्ट है नाइलॉन, वेरी गुड। इसके बाद रायोन, पॉलिएस्टर, ये सभी क्या है आर्टिफिशियल फाइबर्स। तो समझ में आ गया नेचुरल फाइबर्स और आर्टिफिशियल फाइबर्स का मीन्स, इन्हीं दोनों किस्मों से एक किस्म और बनता है कि डिफरेंट या डिफरेंस बिटवीन द आर्टिफिशियल फाइबर्स एंड नेचुरल फाइबर्स, कि आप इन दोनों के बीच कोई भी दो डिफरेंस बताओ। तो आप एक तो ये बता सकते हो कि नेचुरल फाइबर्स तो एनिमल्स से ऑब्टेन होते हैं जबकि आर्टिफिशियल फाइबर्स मानव के द्वारा निर्मित होते हैं, और सेकंड डिफरेंस बता सकते हो आप एग्जाम्पल। इस फाइबर्स को और किस फाइबर के नाम से पहचाना जाता है आर्टिफिशियल फाइबर्स को, और क्या बोलते हैं हम सिंथेटिक फाइबर्स। राहुल थोड़ा तेज बोलो, वॉल्यूम नहीं आ रही। सिंथेटिक फाइबर्स, संश्लेषित फाइबर्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो आपके आर्टिफिशियल फाइबर्स ना आके ये आ जाए कि राइट द नेम ऑफ सम सिंथेटिक फाइबर्स, तो आपको क्या एग्जांपल बताने हैं नायलॉन, रायोन, पॉलिएस्टर एक्सेट्रा। आई थिंक दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए सबको। यस मैम। देख लेना ये क्वेश्चन आपके टेस्ट पेपर में ढल चुके हैं, आपके 15 के बाद जो ऑनलाइन टेस्ट पेपर है उसमें मैंने ऐसे क्वेश्चन डाले हैं आपके, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड है नेम सम ऑब्जेक्ट्स मेड इन ए प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि नेम सम ऑब्जेक्ट मेड इन ए प्लास्टिक, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट के नाम बताओ जो प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। प्लास्टिक से बने हुए कोई भी ऑब्जेक्ट बताओ आप लोग। चेयर। चेयर्स, वेरी गुड। इसके अलावा चेयर्स, बोटल्स, ठीक है। ग्लास इटीसी। तो समझ में आ गया कि आपको पूछे कि कोई भी ऑब्जेक्ट पूछ ली जो प्लास्टिक से बने हुए हैं, तो आप चेयर्स प्लास्टिक की होती है, बोटल्स होती है, ग्लास होते हैं प्लास्टिक के, तो आप इनके नाम राइट कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर है व्हाट इज द पॉलीथीन, व्हाट इज द पॉलीथीन, पॉलीथीन क्या है। कल मैंने पढ़ाया था कि पॉलीथीन क्या होता है। देखो पॉलीथीन का मीन्स होता है
पॉली थीन तो बोल सकते हैं, पॉलीमर ऑफ पॉलीथीन। दैट मीन्स जो पॉलीथीन की जो पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, जो पॉलीमर्स की जो एकलिक इकाई होती है वो ही क्या होते हैं, पॉलीथीन। और पॉलीथीन को हम पॉली प्लस इथेन के नाम से भी जानते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसको हम इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आ गया, ये क्या है, पॉलीथीन है, जो पॉलीमर है किसका, पॉलीथीन का, जिसका फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम, मैंने चार क्वेश्चन करवा दी है, चारों क्वेश्चनों में किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम है क्या? मोनिका मैम पॉलीमर वाला वापस समझा दो एक बार। कौन सा पॉलीमर वाला? फोर्थ वाला। देखो, पॉलीथीन कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कॉमन प्लास्टिक एंड देयर यूजेज, उसमें हमारा पॉलीथीन भी आया था। तो पॉलीथीन को हम किस प्रकार से तैयार करते हैं, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, पॉलीमर ऑफ इथेन। देखो, जो पॉलीथीन होता है वो इथेन के पॉलीमर होते हैं। दैट मीन्स इथेन इथेन को जोड़कर हम क्या बनाते हैं, पॉलीथीन बनाते हैं। तो आप बोल सकते हो व्हाट इज द पॉलीथीन, पॉलीथीन क्या है, पॉलीमर ऑफ इथेन, इथेन के पॉलीमर है, ठीक है। और जिसको हम पॉली प्लस इथेन के नाम से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। और कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि कार्बन की वैलेंसी चार होती है और उससे चार ग्रुप अटैच होते हैं। तो यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम? ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PBC? क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। What is the full form of PVC? कौन बताएगा PVC की फुल फॉर्म क्या होती है? PVC की फुल फॉर्म क्या होती है? PVC की फुल फॉर्म क्या होती है? पॉलीविन क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीथीन पीवीसी का मींस होता है, पी का मींस होता है पॉली, हम बोल सकते हैं पी का मींस होता है पॉली, पी का मींस होता है विनाइल और सी का मींस होता है क्लोराइड। दैट मींस हम बोल सकते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये भी किस में काउंट करते हैं हम, कॉमन प्लास्टिक में। कल हमने जब कॉमन प्लास्टिक पढ़ा था तब भी देखा था हमने पीवीसी, और उसकी फुल फॉर्म देख ली कि पी का मींस होता है पॉली, वी का मींस होता है विनाइल और सी का मींस होता है क्लोराइड। दैट मींस पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसके बाद है व्हाट इज द 4R रूल। व्हाट आर 4R's प्रिंसिपल। क्या होता है
है, किसी भी स्टूडेंट को पता हो तो बताओ कि 4R प्रिंसिपल क्या होता है। आपके पिछली क्लास में भी था ये। 4R प्रिंसिपल क्या होता है, किसी भी स्टूडेंट को पता है? मोनिका, 4R प्रिंसिपल क्या है? 4R का मीन्स होता है कि चार ऐसे वर्ड है जो ओनली R से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 4R प्रिंसिपल का मीन्स है रिड्यूस, रिसाइकल, यूज, एंड रिकवर। रिड्यूस का मीन्स होता है किसी चीज को रिड्यूस करना, ठीक है? दैट मींस खर्च करते ना हम कोई भी चीज, इसके बाद रिसाइकिल, उसका दोबारा से उपयोग करना। इसके बाद रिफ्यूज का मीन्स भी वो होता है पुनर्चक्रित करना, एंड रिकवर उसको दोबारा से प्राप्त करना। तो ये क्या है हमारा 4R प्रिंसिपल, जिसमें चार वर्ड आते हैं R नाम से, रिड्यूस, रिसाइकल, रिफ्यूज एंड रिकवर। दैट इज क्लियर? पीवीसी और 4R प्रिंसिपल समझ में आ गया आप लोगों को? यस मैम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। व्हाट इज द थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मो सेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मो सेटिंग प्लास्टिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थर्मोप्लास्टिक। राहुल चलो बताना थर्मोप्लास्टिक की डेफिनेशन क्या होती है। थर्मोप्लास्टिक की डेफिनेशन क्या होती है राहुल? मोनिका, व्हाट इज द थर्मोप्लास्टिक? गिव मी आंसर एनी स्टूडेंट्स। थर्मोप्लास्टिक, किसी भी स्टूडेंट को अगर थर्मोप्लास्टिक पता है हिंदी में बता दो चाहे से, लेकिन थर्मोप्लास्टिक एक्चुअली होता क्या है बताओ। व्हाट इज द थर्मोप्लास्टिक? राहुल, निशा, मोनिका, ये गर्म करने पर ठोसली आकृति बदल लेते हैं। क्या बोल रहे हो? गरम करने पे दूसरी आकृति पक्की। यस, हम बोल सकते हैं कि वे प्लास्टिक जिसको अगर हम हीट प्रोवाइड करवाए तो वो अपनी आकृति में क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? थर्मोप्लास्टिक। तो हम बोल सकते हैं these plastic then provide the heat
तो देन देखते हैं, देन सम टाइम उस समय बाद देखते हैं तो बोल सकते हैं कि मोल्डेड। भाई से तफर दो, भाई से तफर दो, इस दो दिन में नॉक कर दिया, जल्दी दो भाई। क्या हुआ भाई? हम बोल सकते हैं कि चेंज इन शेप, दैट मींस वे प्लास्टिक जिसको अगर हम हीट प्रोवाइड करवाए तो अपनी जो शेप होती है उसमें चेंज कर लेते हैं, क्या कहलाते हैं? थर्मोप्लास्टिक। जैसे एग्जांपल बताना मेरे को, गिव टू एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन और नायलॉन। पॉलीथीन, इसके अलावा नायलॉन, पीवीसी। ठीक है, समझ में आ गया। राहुल अब बताओ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होते हैं? तो हम बोल सकते हैं कि बे प्लास्टिक जिसको अगर हम हीट भी प्रोवाइड करवाए तो इनसे हीट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। समझ में आ गया? अगर हम हीट भी देना उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस हीट का। तो बोल सकते हैं दीज प्लास्टिक देन प्रोवाइड द हीट टू नॉट इफेक्टेड, नॉट अफेक्टेड इन शेप, उसकी शेप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो वो क्या कहलाती थी? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एग्जांपल बताओ मेरे को। बेकेलाइट, बेकेलाइट किस में आता है? जिसके अंदर हम किसको लेते हैं? स्विच को। ठीक है, पाइप्स, वाटर सप्लाई, पाइप इटीसी, ये क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो समझ में आ गए इन दोनों में डिफरेंट? अब तो कर सकती हो ना कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होते हैं। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन है, ड्रॉ ए डायग्राम टू शो द, क्वेश्चन नंबर 6 है। मैं जीता हूँ। बर्थडे में जो ड्रो ए डायग्राम है किसका बनाना है? फर्स्ट है लीनियर अरेंजमेंट ऑफ प्लास्टिक्स, इसके बाद सेकंड है क्रॉस लाइक्ड अरेंजमेंट ऑफ प्लास्टिक। तो देखो सबसे पहले हमें किस शेप में डायग्राम बनाना है? लीनियर शेप में। और मैंने आप लोगों को बताया है कि पॉलीमर और मोनोमर में क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऐसी यूनिटें होती है जिसको हमें जोड़ना होता है। ठीक है, जैसे हमने एक चेन बनाई थी, फर्स्ट हमने पढ़ा था, फर्स्ट टॉपिक में व्हाट इज द सिंथेटिक फाइबर्स, और उसमें हमने देखा था कि हम विभिन्न यूनिटों को जोड़कर एक श्रृंखला बनाते हैं। इसी प्रकार इसमें हमें लीनियर अरेंजमेंट में और क्रॉस लाइक अरेंजमेंट में एक स्ट्रक्चर्स बनानी है। कोई भी एक प्लास्टिक लेनी है और इस शेप में क्या करना है, इसको
अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर अरेंजमेंट ऑफ प्लास्टिक कि लीनियर अरेंजमेंट में हम किस प्रकार प्लास्टिक को अरेंज करते हैं। तो देखो लीनियर अरेंजमेंट में देखो जैसे मेरे पास ये प्लास्टिक है और आपने देखा होगा लीनियर शेप ये होती है। जब आपने पिछली क्लास में मोशंस के बारे में पढ़ा था तो आपने मोशंस में देखा था लीनियर मोशंस, रैंडम मोशंस, रोटेशनल मोशंस। तो हमारी जो लीनियर होती है जिसको हम सरल रेखीय गति बोलते हैं, तो हमारा इसमें अरेंजमेंट किस प्रकार से होगा। जैसे ये मेरा प्लास्टिक है कोई भी, तो ये कौन सा अरेंजमेंट हुआ, लीनियर अरेंजमेंट। तो इसको हम कौन सा अरेंजमेंट बोलेंगे, लीनियर अरेंजमेंट। समझ में आ गए यहाँ तक, ये कौन सा अरेंजमेंट है, लीनियर, जो एक सरल रेखा के अंदर विभिन्न प्रकार की प्लास्टिक क्या हो, अरेंज हो, उसको हम लीनियर अरेंजमेंट कहते हैं। सेकंड हम पढ़ेंगे क्रॉस लाइक अरेंजमेंट, सेकंड है हमारा। क्रॉस लाइक अरेंजमेंट के अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारी जो प्लास्टिक है उसको हम किस शेप में, क्रॉस शेप में क्या कर सके, अरेंज कर सके। तो ये कौन सी प्लास्टिक हुई, क्रॉस टाइप या क्रॉस अरेंजमेंट ऑफ प्लास्टिक। तो समझ में आ गया कि हम प्लास्टिक को अगर लीनियर शेप में अरेंज करें तो हमारा अरेंजमेंट ये होता है, ठीक है। ये कौन सा अरेंजमेंट है, लीनियर अरेंजमेंट। लेकिन अगर प्लास्टिक को आपको क्रॉस में करवाए अरेंज तो आप इस प्रकार से इसको अरेंज कर सकते हो, और इसका मींस होता है आप इसके आगे और प्लास्टिक को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो समझ में आ गया कि हमारे पास अगर प्लास्टिक हो और हमें पूछे कि लीनियर और क्रॉस में आप लोगों को उस प्लास्टिक को अरेंज करना है, तो हम इस प्रकार से इसको अरेंज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आज के क्लास में हमारा जो चैप्टर नंबर 3 था वो कंप्लीट हो चुका है, और सभी स्टूडेंट मेरी बात ध्यान से सुना, आपका 15 के बाद ऑनलाइन टेस्ट है, उसके अंदर आप लोगों का सिलेबस है जो आप लोगों को मैंने आज तक पढ़ा दिया है। उसमें मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 पढ़ा दिया, चैप्टर नंबर 3 पढ़ा दिया और चैप्टर नंबर 9 पढ़ा दिया। उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों के 15 के बाद जो ऑनलाइन टेस्ट होंगे वो सिलेबस आएगा। तो सभी स्टूडेंट अपने जो भी डाउट है इस चैप्टर में वो क्लियर कर लेना एग्जाम से पहले पहले, ठीक है। और आज हम ये चैप्टर यहीं कंप्लीट करते हैं, कल के लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाकी किसी स्टूडेंट को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। राहुल मोनिका रोशनी रोहित नंदनी आदित्य श्रुति निशा किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट हो, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।